हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एक मेथड से सॉल्व होगा और उसके बाद थर्ड से लेकर 8 तक वो एक मेथड से सॉल्व होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x^7 * y^5 = x + y^12। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको इसका आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं 8 के 8 क्वेश्चन का आंसर dy/dx का आंसर y/x ही निकालना है। ये बता दिया है कि y/x आंसर आना चाहिए सारे क्वेश्चन में, फिर चाहे जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। और आगे जो है वो anpr कांस्टेंट, वो कहीं तुमको a कहीं p दिखाई देगा तो वो कांस्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिखाई दे रही है पावर, यहाँ 7 है, 5 है, 12 है, हायर पावर्स है। हायर पावर्स में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लॉग लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर लेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व कर चुके हैं, बस दोनों साइड क्या करेंगे यहाँ पर लॉग लगाएंगे। तो यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पहले लॉग लगा देंगे। यहाँ आएगा लॉग x^7 y^5 = लॉग x + y^12। ये यहाँ पर दो है, दो टर्म्स है, मल्टीप्लीकेशन में लॉग से ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग x^7 प्लस लॉग y^5 = लॉग x + y^12। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पावर नीचे आ जाएगी लॉग में, तो ये हो जाएगा 7 log x 5 log y = 12 log x + y। अभी सिंप्लीफाई हो गया, हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 7 log x का हो जाएगा 1/x प्लस 5 log y का 1/y और फिर y का आएगा dy/dx, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। 12 यहाँ पर पहले log पे लगेगा तो 1/x + y हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और y का dy/dx, ये हो गया। अब हमको यहाँ से y एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ dy/dx है और यहाँ भी dy/dx, लेकिन ये वाला dy/dx जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को बाहर निकालने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम उसको लिखते हैं 7/x प्लस 5/y dy/dx इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, dy/dx से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये 12/x + y प्लस 12/x + y इंटू dy/dx। dy/dx को हम लोग लेफ्ट पर लेकर आ जाते हैं, तो ये है 5/y dy/dx माइनस यहाँ पर आ रही है 12/x + y dy/dx इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 12/x + y माइनस 7/x। यहाँ से dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, अब बस उसको सिंप्लीफाई करना है। ये dy/dx ये निकाल लिए, यहाँ क्या बचा, ये है 5/y माइनस ये है 12/x + y इज इक्वल टू, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 12x माइनस इधर जाएगा तो 7x + y डिवाइड बाय x x + y। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाकर डिवाइड कर देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, डिवाइड कर दे रही हूँ यहाँ पे मैं इसको, 12x माइनस ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे 7x - 7y डिवाइड बाय x x + y और ये यहाँ डिवाइड होकर आया है। यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको 5x + y माइनस 12y डिवाइड बाय y x + y, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते,
ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 कितना हो जाता है 5, 5x माइनस 7y डिवाइड बाय, देखो ये x प्लस वाई ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है x और फिर डिवाइड बाय, अभी ये ब्रैकेट ओपन करते, 5x प्लस 5y माइनस 12y डिवाइड बाय y, ये 5y और ये 12 कितना हो जाएगा ये -7y, तो 5x माइनस 7y डिवाइड बाय ये कितना हो गया 5x माइनस 7y डिवाइड बाय y, ये और ये कैंसिल, ये बचा है 1 अपॉन x डिवाइड बाय 1 अपॉन y जो कि होता है y अपॉन x, तो ये आ गया हमारा dy बाय dx का आंसर जो हमको y अपॉन x ही निकालना था। सेकेंड क्वेश्चन है, x रेस टू p इंटू y रेस टू 4 इज इक्वल टू x प्लस y रेस टू p प्लस 4 वेयर p इज एनी नेचुरल नंबर, अभी हम लोग देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में सेम वैसा ही है, सिर्फ पावर चेंज हो गई है, p है p प्लस 4, इससे पहले यहाँ पे 12 था 5 था ऐसा कुछ था, तो हमारा मेथड तो वही सेम ही रहेगा, हम लोग लॉग से ही स्टार्ट करेंगे, उसको लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ पावर चेंज हो गई है, पावर कुछ भी हो सकती है, x प्लस वाई या ये p प्लस 4, लॉग से ओपन करेंगे, लॉग x रेस टू p प्लस लॉग y रेस टू 4 इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई p रेस टू 4, पावर को नीचे डालेंगे, p लॉग x प्लस 4 log y इज इक्वल टू p प्लस 4 और ये log x प्लस y, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, सिंप्लीफाई हो चुका है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर p log x का 1 अपॉन x प्लस 4 log y का 1 अपॉन y, log y का 1 अपॉन y और फिर y का आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू p प्लस 4, लॉग पे लगेगा पहले तो 1 अपॉन x प्लस y हो जाएगा और ब्रैकेट पे लगेगा तो ब्रैकेट में x का 1 हो जाएगा और y का dy by dx हो जाएगा, ठीक है, dy by dx को फिर हम लोग सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये है p अपॉन x प्लस 4 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू p प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस y, 1 से मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा dy by dx से, p प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस y dy by dx ये हो गया, अब dy by dx वाले टर्म को एक साइड कर देंगे, हम लोग लेफ्ट पर लेकर आ जाते हैं इसको, 4 अपॉन y dy by dx माइनस p प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस y dy by dx, ये आ गया इधर पे, p अपॉन x को हम लोग लेकर जाएंगे राइट पर, p प्लस 4 अपॉन x प्लस y, ये यहाँ पर पहले से था, ये इधर आ रहा है माइनस में, माइनस p अपॉन x, dy by dx कॉमन निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, dy by dx कॉमन निकाल लेते हैं, dy by dx आ गया कॉमन, यहाँ बचा है 4 अपॉन y माइनस p प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस y इज इक्वल टू, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x p प्लस 4 माइनस p x प्लस y डिवाइड बाय x x प्लस y, ये हो गया, इसको भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, यहाँ बचा है dy by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर जाती हूँ फिर मैं इसको, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 4 x प्लस y माइनस y p प्लस 4 डिवाइड बाय y x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे xp प्लस 4x ये हो जाएगा xp प्लस 4x
माइनस पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाय एक्स एक्स प्लस वाई, ये यहाँ से कैंसिल हो जाए, कैंसिल कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते, ये ब्रैकेट ओपन करते, फिर जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स फोर एक्स प्लस फोर वाई माइनस पी वाई माइनस फोर वाई डिवाइड बाय वाई, इधर बचा है और इधर क्या बचा है, इधर है एक्स पी प्लस फोर एक्स माइनस पी एक्स को मैं एक्स पी लिख देती हूँ, कैंसिल करना रहेगा इसके साथ पी वाई डिवाइड बाय एक्स। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से प्लस फोर वाई माइनस फोर वाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स पी और एक्स पी कैंसिल हो जाएगा, अब बचा क्या है डी वाई बाय डी एक्स, ये है फोर एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाय वाई, यहाँ पर है फोर एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाय एक्स, ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये निकालना था। थर्ड क्वेश्चन है sec ऑफ x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 डिवाइड बाय x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये थर्ड से पूरे 8 तक के क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, एक बार ये मेथड समझ लेना, फिर सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी हम लोग देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो sec है यहाँ पर देखो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये sec को अगर मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है ना, तो हम लोग sec को ये साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 डिवाइड बाय x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू sec इनवर्स a स्क्वायर। sec इनवर्स a स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है, अब हम लोग इसको इतना लंबा sec इनवर्स लेकर नहीं चलते, कोई दूसरा कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका आंसर कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आने वाला है, तो वो हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, x रेस टू 5 y रेस टू 5 डिवाइड बाय x x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 बी, ये a स्क्वायर था इसको b लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज इक्वल टू b x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे b x रेस टू 5 माइनस b y रेस टू 5, x वाले टर्म को x साइड कर लेते हैं और y वाले टर्म को x साइड कर लेते हैं, ये x वाला टर्म इसको यहाँ लेकर आ जाती हूँ, x रेस टू 5 माइनस b x रेस टू 5 इज इक्वल टू इधर आ गया माइनस बी वाई रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5, यहाँ से x कॉमन है यहाँ से y कॉमन है, x रेस टू 5 1 माइनस b और y रेस टू 5 माइनस b माइनस 1, ठीक है। इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, x रेस टू 5 माइनस बी माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस बी और वाई रेस टू 5, ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, बी माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस बी, बी की कोई वैल्यू रखने पर से कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, वो आंसर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि ए कांस्टेंट है फिर बी कांस्टेंट है, यहाँ बी की वैल्यू रखोगे तो ये जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये इतना लंबा नहीं लेके हम लोग क्या करते हैं उसको एक छोटा सा कांस्टेंट सी कंसिडर कर लेते, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे x रेस टू 5 इज इक्वल टू c y रेस टू 5, ठीक है। अब ये हो चुका है, अब हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर ले इस, अभी इसमें एक स्टेप और आएगी वो बाद में देखते हैं, पहले इसको करते हैं डिफरेंशिएट, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x रेस टू 5 पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 x रेस टू 4 इज इक्वल टू c y रेस टू 5 का क्या हो जाएगा 5 y रेस टू 4 और y का dy by dx, ये हो गया dy by dx निकालेंगे तो उसको यहाँ लाकर डिवाइड कर देते, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये पूरा यहाँ डिवाइड हुआ 5 x रेस टू 4 डिवाइड बाय c 5 y रेस टू 4, ठीक है, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, अब बचा ये c, तो c की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, C की वैल्यू, तो C की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ लगा डिवाइड कर दो तो C आ जाएगा x रेस टू 5 डिवाइड बाय y रेस टू 5,
अब ये c की वैल्यू हम लोग ले जाकर रखेंगे dy बाय dx में, तो dy बाय dx इज इक्वल टू x रेस टू 4 डिवाइड बाय, c की वैल्यू क्या थी x रेस टू 5 डिवाइड बाय y रेस टू 5 और ये y रेस टू 4। ठीक है, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 5 है और ये 4 है, तो ये 4 से ये 1 बच जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से 1 बचेगा, तो यहाँ है 1 अपॉन x अपॉन y, क्या बचा 1 अपॉन x अपॉन y जिसका मीनिंग है y अपॉन x और ये हमारा आंसर है। यही मेथड सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, सेम टू सेम यही मेथड, ऐसे ही b लेंगे फिर बाद में c लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और c की वैल्यू रखेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम वही मेथड, टेन इनवर्स को यहाँ लेकर आ जाती हूँ, टेन हो जाएगा वो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 a स्क्वायर। अब ये 10 a स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं b, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर b 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3bx स्क्वायर प्लस 4by स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि x वाला टर्म एक साइड करो और y वाला टर्म एक साइड करो, ठीक है, ये x वाला टर्म यहाँ लेकर, y वाला लाना तो y भी ला सकते हैं, y लेकर आ जाती हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि हमको ये साइड पे dy बाय dx चाहिए, तो माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4by स्क्वायर इज इक्वल टू 3bx स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 माइनस साइन में कॉमन लेंगे यहाँ, 4y स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी, इसमें देखिए कॉमन आ रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यहाँ बचा b माइनस 1। अब इसको यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे, सेम वही चीज है, देखो उससे पहले क्वेश्चन में भी यही आएगा, तो ये 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और b माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 माइनस बी, इसको ले लेंगे c, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू c 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार मेथड समझ में आ जाएगा तो इजी लगेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 4y स्क्वायर का 2y और y का dy बाय dx इज इक्वल टू c कांस्टेंट है 3 और फिर x स्क्वायर का 2x ऐसा लिखते हो, ठीक है, ये क्या हो गया है 8y dy बाय dx, ये c 6x, c की वैल्यू हमको लगेगी तो c निकाल लेते हैं यहाँ से, नहीं c यहाँ से नहीं निकालेंगे, अभी c वहां से निकालना पड़ेगा, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 2 हो जा रहा था कैंसिल, तो इसको लिखती हूँ 4y dy बाय dx 3 c लिखते c 3x, इसको यहाँ लगा डिवाइड कर देंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू c 3x अपॉन 4y, ये हो गया। अब लिखते हैं c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी c इज इक्वल टू 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। अब ये c जाएगा dy बाय dx में, dy बाय dx इज इक्वल टू 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर 3x अपॉन 4y, तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, एक y कैंसिल हो जाएगा एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x कैंसिल हुआ एक इधर बचा, ये y कैंसिल हुआ एक बचा, तो क्या बचा y अपॉन x और यही आंसर है। सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स और फिर ये है 7x रेस टू 4 प्लस 5 y रेस टू 4 डिवाइड बाय 7x रेस टू 4 माइनस 5 y रेस टू 4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स a, ये cos इनवर्स को लेकर आ जाते हैं ये साइड पर, ये हो जाएगा 7x रेस टू 4
प्लस फाइव वाई रेस टू फोर डिवाइड बाय सेवन एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव वाई रेस टू फोर इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये टेन इनवर्स ए। बी ले लेंगे, अभी भी ये क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा सेवन एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव वाई रेस टू फोर डिवाइड बाय सेवन एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव वाई रेस टू फोर इज इक्वल टू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेवन एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव वाई रेस टू फोर इज इक्वल टू बी, सेवन एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव वाई रेस टू फोर, ब्रैकेट ओपन कर दो, सेवन एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव वाई रेस टू फोर इज इक्वल टू बी सेवन एक्स रेस टू फोर माइनस बी फाइव वाई रेस टू फोर। एक्स वाला टर्म एक साइड, वाई वाला एक साइड करो, ये वाई वाई को यहाँ लेकर आ जाती हूँ, तो ये है फाइव वाई रेस टू फोर प्लस बी फाइव वाई रेस टू फोर, इसको यहाँ लेकर आ जाओ, बी सेवन एक्स रेस टू फोर माइनस सेवन एक्स रेस टू फोर। यहाँ से फाइव वाई रेस टू फोर कॉमन निकलेगा, यहाँ सेवन एक्स रेस टू फोर कॉमन निकलेगा, फाइव वाई रेस टू फोर कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा वन प्लस बी, और इधर से बी माइनस वन और सेवन एक्स रेस टू फोर कॉमन, इसको यहाँ लगा डिवाइड कर दो, तो फाइव वाई रेस टू फोर इज इक्वल टू बी माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस बी, और ये सेवन एक्स रेस टू फोर इसको ले लेंगे सी, फाइव वाई रेस टू फोर इज इक्वल टू सी सेवन एक्स रेस टू फोर। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ डिवाइड कर देती हूँ, सी इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइव वाई रेस टू फोर डिवाइड बाय सेवन एक्स रेस टू फोर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो फाइव वाई रेस टू फोर का फोर वाई और फिर क्यूब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सी सेवन। एक्स रेस टू फोर का क्या हो जाएगा, थ्री सॉरी फोर एक्स रेस टू थ्री, ये डिफ्रेंशिएट हो गया है, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ छोड़ दो, बाकी सब यहाँ लेकर आ जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी सेवन, ये फोर फोर यहाँ से कैंसिल कर देते, ठीक है, ये क्या है सेवन एक्स रेस टू थ्री डिवाइड बाय फाइव वाई रेस टू थ्री। सी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी फाइव एक्स वाई रेस टू फोर डिवाइड बाय सेवन एक्स रेस टू फोर, यहाँ रखेंगे इसको, ये क्या है फाइव वाई रेस टू फोर डिवाइड बाय सेवन एक्स रेस टू फोर, ये सेवन एक्स रेस टू थ्री फाइव वाई रेस टू थ्री, ये फाइव कैंसिल, ये सेवन कैंसिल, ये थ्री और ये फोर कैंसिल हो गया, एक बचेगा यहाँ पर, ये थ्री है और ये फोर है, एक बचेगा, ऊपर वाई है नीचे एक्स है, और यही हमारा आंसर है। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग एक्स रेस टू ट्वेंटी माइनस वाई रेस टू ट्वेंटी डिवाइड बाय एक्स रेस टू ट्वेंटी प्लस वाई रेस टू ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी, ये लॉग में है, लॉग को पहले हम लोग सिंप्लीफाई, देखो ये जब ब्रैकेट हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए लॉग यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो लॉग को कन्वर्ट करेंगे पहले हम एक्सपोनेंशियल में, यहाँ से लॉग हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा ई, ये हम लोग जानते हैं पहले से, देखो ये डेफिनेशन जो है क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई, इसको जब हम लोग ये एक्सपोनेंशियल में इसको लॉग में कन्वर्ट कर दे तो क्या आता है वो, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस ई, इससे कंपेयर कर लेते हैं इसको, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे बेस ई है, ठीक है, तो देखो ये लॉग ये ई यानी ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, तो हम लोग को ये टर्म में लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग, एक्स को लिखेंगे, तो ये एक्स है यानी ये हो जाएगा एक्स रेस टू ट्वेंटी माइनस वाई रेस टू ट्वेंटी डिवाइड बाय एक्स रेस टू ट्वेंटी प्लस वाई रेस टू ट्वेंटी इज इक्वल टू ई रेस टू वाई, ये ई और वाई की जगह पे कौन है ट्वेंटी, ये पावर उसकी, ठीक है, ई रेस टू ट्वेंटी को भी हम लोग क्या करेंगे, अब बी कंसिडर कर लेते, ये हो गया एक्स रेस टू ट्वेंटी माइनस वाई रेस टू ट्वेंटी डिवाइड बाय एक्स रेस टू ट्वेंटी प्लस वाई रेस टू ट्वेंटी इज इक्वल टू बी, बाकी अब सब कुछ सेम जैसे था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे लोगैरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल, वैसे एक्सपोनेंशियल आएगा तो लोगैरिथमिक में कन्वर्ट कर देंगे उसको, हमको सिर्फ बेसिकली करना क्या है कि ये ब्रैकेट के आगे जो भी है चाहे वो लॉग हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो
उसको हटाना है वहां से, तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 बी एक्स रेस टू 20 प्लस वाई रेस टू 20। ब्रैकेट ओपन कर देते, बी एक्स रेस टू 20 प्लस डी वाई रेस टू 20, वाई वाला टर्म यहाँ लेकर आ जाते, माइनस वाई रेस टू 20 माइनस बी वाई रेस टू 20 इज इक्वल टू बी एक्स रेस टू 20, ये इधर चला जाएगा माइनस एक्स रेस टू 20। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, वाई रेस टू 20 कॉमन आ रहा है, माइनस वन माइनस बी यहाँ बचा, यहाँ पर बी माइनस वन और ये एक्स रेस टू 20। इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे और सी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखती हूँ वाई रेस टू 20 बी माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन माइनस बी एक्स रेस टू 20। इसको सी ले लेते, सी एक्स रेस टू 20 और ये वाई रेस टू 20। सी की वैल्यू लगेगी, सी निकाल लेते, इसको यहाँ डिवाइड कर दो, सी आएगा वाई रेस टू 20 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 20। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले डेरिवेटिव लगेगा वाई पे, लिखते डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा 20 वाई रेस टू 19 और फिर डी वाई बाय डी एक्स, और ये सी 20 एक्स रेस टू 19। डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रहने दो, उसको यहाँ डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी 20 एक्स रेस टू 19 डिवाइड बाई 20 वाई रेस टू 19। ये 20 से 20 कैंसिल कर दो, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सी की वैल्यू आएगी तो वाई रेस टू 20 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 20 एक्स रेस टू 19 डिवाइड बाय वाई रेस टू 19। ये 19 है, ये 20 है, कैंसिल एक बचेगा, ये 19 है एक बचेगा, तो आंसर आया है वाई अपॉन एक्स, यही निकालना था। सेवन क्वेश्चन है, ई रेस टू एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइड बाई रेस टू 7 एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू ए। ये वाला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करेंगे लोगैरिथमिक में, अभी डेफिनेशन से पहले ही मैं लिखी थी। ये है ई रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स, सिंपल क्या करना है, यहाँ से ई हटाना है और यहाँ पर लॉग लगाना है, ठीक है। तो क्या बता, यहाँ से ई ऐसे हटा दो, बस ई हटा दो और यहाँ लॉग लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7, ये आ गया लॉग ए, सिंपल है। बी ले लेंगे इसको, एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स रेस टू 7 वाई रेस टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल, एक मिनट, इसको तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे ना, बी एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी एक्स रेस टू 7 प्लस बी वाई रेस टू 7। अब क्या करेंगे, वाई वाले टर्म को लेफ्ट पे लाएंगे और एक्स वाले को राइट पर, माइनस वाई रेस टू 7 माइनस बी वाई रेस टू 7 बी एक्स रेस टू 7 माइनस एक्स रेस टू 7। वाई कॉमन एक्स कॉमन, वाई रेस टू 7 माइनस 1 माइनस बी बी माइनस 1 एक्स रेस टू 7। इसको यहाँ डिवाइड कर दो, वाई रेस टू 7 बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस बी एक्स रेस टू 7। इसको ले लो सी, वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू सी एक्स रेस टू 7। यहाँ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी आ जाएगा वाई अपॉन 7 डिवाइड बाय एक्स अपॉन 7। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई रेस टू 7 का 7, वाई रेस टू 6 और वाई का डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स रेस टू 7 का 7, एक्स रेस टू 6, ये 7 और 7 कैंसिल कर दो, इसको यहाँ डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाय डी एक्स आएगा सी एक्स रेस टू 6 वाई रेस टू 6। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या थी, वाई रेस टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 और ये है एक्स रेस टू 6 वाई रेस टू 6, ये कैंसिल हो रहा है, ये 6 है और ये 7 है, एक बचा, ये 6 है और 7 एक बचा, तो वाई अपॉन एक्स, यही आंसर आना था। लास्ट क्वेश्चन है, साइन
एक्स रेस टू थ्री माइनस वायरस टू थ्री डिवाइड बाई एक्स रेस टू थ्री प्लस वायरस टू थ्री इज इक्वल टू ए क्यूब। साइन को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं पहले, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू थ्री माइनस वायरस टू थ्री डिवाइड बाई एक्स रेस टू थ्री प्लस वायरस टू थ्री साइन इनवर्स ए क्यूब। लेंगे इसको एक्स रेस टू थ्री माइनस वायरस टू थ्री एक्स रेस टू थ्री प्लस वायरस टू थ्री। अब तक समझ में आ गया होगा हम लोग कौन सा मेथड, एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स रेस टू थ्री माइनस वायरस टू थ्री बी एक्स रेस टू थ्री प्लस वायरस टू थ्री। इसको ओपन कर देंगे बी एक्स रेस टू थ्री प्लस बी वायरस टू थ्री। वाई वाला टर्म यहाँ ला लेंगे एक्स रेस टू थ्री माइनस वायरस टू थ्री माइनस वायरस टू थ्री माइनस बी वायरस टू थ्री बी एक्स रेस टू थ्री माइनस एक्स रेस टू थ्री। वायरस टू थ्री कॉमन निकाल लो, यहाँ माइनस वन माइनस बी बचेगा, यहाँ पर बी माइनस वन बचेगा एक्स क्यूब। इसको यहाँ डिवाइड कर दो वायरस टू थ्री बी माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन माइनस बी एक्स रेस टू थ्री। सी ले लेंगे इसको वायरस टू थ्री और यह है सी एक्स रेस टू थ्री। सी की वैल्यू है वायरस टू थ्री डिवाइड बाय एक्स रेस टू थ्री। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर और वाई का डी वाई बाय डी एक्स। सी कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा। एक्स रेस टू थ्री का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये थ्री और ये थ्री कैंसिल कर दो, इसको यहाँ लगा डिवाइड कर दो। डी वाई बाय डी एक्स सेपरेट करना है हमको, सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू थी वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब। इधर पर जो निकाले थे सी हम लोग, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो और ये तीन एक बचेगा, ये दो और ये तीन एक बचेगा, आंसर आएगा वाई अपॉन एक्स। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं एक ही पैटर्न से, क्वेश्चन नंबर थ्री से क्वेश्चन नंबर एट तक ये एक ही पैटर्न से सॉल्व हुआ है। एक बार पैटर्न समझ लो कैसा है, बाकी तो बहुत सिंपल था ये। तो क्वेश्चन नंबर फोर तक की प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो अगर डिफरेंशिएशन सीखना है तो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय नेम इज शाजी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।